पीवीसी राजधानी के पार्ट टू में आप सभी का स्वागत है। अभी हमारी ट्रेन रतलाम जंक्शन को पार कर चुकी है और यहाँ से जो नेक्स्ट स्टॉप हमारा वडोदरा स्टेशन है वो लगभग 260 किलोमीटर दूर है। मानसून का सीजन है और हर जगह हरियाली छाई हुई है और आप मौसम देखिए कितना शानदार हो रखा है। ऊपर बादल कैसे दूर दूर तक फैले हुए हैं और ऐसा लगता है बारिश भी आई जाएगी वडोदरा से पहले। और अभी दहोज स्टेशन को हम स्किप करने वाले हैं कुछ ही देर में और जो शाम का स्नैक्स है इस राजधानी का वो भी हमें सर्व करेंगे, तो वो सब आपको मैं दिखाता हूँ। तो चलिए यात्रा को अब कंटिन्यू करते हैं। यार मैं सोचा हमारी ट्रेन बहुत टाइम से खड़ी है गोधरा जंक्शन के बाहर ही, क्या चक्कर है? तो पता लग रहा है कि बिफोर टाइम ही चल रही है हमारी ट्रेन। 4:28 पे था, 4:11 पे आ गई। तो अभी जो है वो हम वेस्टर्न रेलवे के अंदर एंटर कर चुके हैं। बहुत ही शानदार है, मालगाड़ियाँ दो बची खड़ी हैं, तीसरी अभी निकल रही है। बहुत ही शानदार है। अब जाके हमने कही थे 4:32 पे स्किप मार रहे हैं, हम वो टाइम चल रहे हैं, अब टाइम स्किप कर देंगे एकदम पूरे टाइम पर 32 पे। इस पर स्किप लग रहा है, क्या गजब है यार। वेस्टर्न रेलवेज में एंट्री करते ही तो पूरा ही दबदबा घुमा दिया मैंने, तो अनार की ट्रेन को पूरा टाइम से निकाल रहे हैं। वाओ, तो सामने लाइन जो देख रहे हैं ये है आनंद वाली लाइन, अहमदाबाद वाली लाइन, वही लाइन जो है वो मुड़ चली है। टाइम आप पहले देखिए 4:41 और स्नैक्स आज जो है ये 4 बजे बाद जैसे आपको बताया सब हो जाते हैं। तो ये टिकट हो गई, इसमें जो बन जाएगी और इसके अंदर क्या है आपकी कचौड़ी आ जाते हैं। कैसी कचौड़ी है, गरम है ये देखिए कचौड़ी, और साथ में ये है सैंडविच ये रहा, और इसमें कचौड़ी है, और साथ में ये टॉप्स का केचप ये, और ये है सोन पापड़ी टाइप होगा, सोन पापड़ी होगा आई थिंक, नहीं ये है आपका ड्राई फ्रूट पिस्ता, बढ़िया है, और ये आलमंड्स।
526 किलोमीटर का डिस्टेंस कोटा से कंप्लीट करने के बाद और 984 निजामुद्दीन से टोटल डिस्टेंस कवर करने वाला पहुँच चुके हैं वडोदरा जंक्शन पर। लास्ट अभी हमने एमपी क्रॉस किया और पहुंच चुके हैं हम गुजरात प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे। इसको वैसे आ रहा था आपको बता दीजिए हम इसका जो जो परमानेंट जो होता है ना कि इसको दे रखा होता है स्लॉट में कि यहाँ रुक जाएगी तो प्लेटफॉर्म नंबर 3 है लेकिन इसको लाया गया प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। सुबह को जब आप यहाँ से बोर्ड करना हो कि ये 1 पे आई है ऐसे मुझसे वो इंडिकेशन दे देते हैं यहाँ पे। वैसे ऑफिशियली इसका 18 मिनट का हॉल्ट है क्योंकि लोकोमोटिव वगैरह सब चेंज होता है, साइड फिलिंग होती है, पानी भरा जाता है, तो कुल मिला के 15 से 18 मिनट यहाँ पे रुकती है। खींच खिंचा के ये 20 मिनट भी लगा देती है मैक्सिमम। और यहाँ पे टोटल 7 प्लेटफॉर्म है और जो वडोदरा इसका स्टेशन कोड है वो BRC है और यहाँ से जो ट्रेन में लाइन जाती है उसके बारे में अगर बताऊँ तो मुंबई हावड़ा चेन्नई और छोटा उदयपुर लाइन ये 4 लाइन है यहाँ से जाती है जो बहुत ही महत्वपूर्ण जंक्शन बन जाता है। तो 40114 WDP 4D लग रहा है हमारी ट्रेन के साथ। अरनाकुलम और यहाँ पे कोई और ट्रेन भी लगी हुई है पता नहीं कौन सी है शायद पश्चिम है और ये है ट्रेन। भयंकर ही बारिश हो रही है हमारी कोच की तरफ ही लग रहा है मानसून हो रहा है। तो वॉशिंग की जो इतनी पड़ी है खुद ही नहा रही है भाई इतना। पिकअप तो यहीं से बनाने शुरू कर दिया क्या बात है। सौराष्ट्र एक्सप्रेस यहाँ पे आपको वेटिंग रूम स्लीपर क्लास मिल जाएगा लेडीज का भी मिल जाएगा सामने ही है। क्या आप पिकअप है भाई
बाद चले हैं सूरत रेलवे स्टेशन पर, और यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल हॉल्ट है 6 महीने के लिए। 17 जून से स्टार्ट हुआ था ये और 6 महीने तक चलेगा ऐसा। और प्लेटफॉर्म 2 पर हमारी ट्रेन आई है। और बात करूँ सूरत स्टेशन की, तो यहाँ पर टोटल 4 ही प्लेटफॉर्म है, और यहाँ से नई दिल्ली मुंबई मेन लाइन, सूरत जलगांव लाइन, अहमदाबाद मुंबई मेन लाइन, और अहमदाबाद चेन्नई और हावड़ा अहमदाबाद लाइन, तो ये सब मेन लाइन यहाँ से गुजरती है। जो भाई ट्रेन है इसका यहाँ पे 3 मिनट का ही हॉल्ट है सूरत स्टेशन पर, और काफ़ी महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है, और यहाँ पे पेट्रोल इनको अच्छा खासा मिलेगा, तो इसको परमानेंट भी कर देंगे, और यहाँ से देखो चल भी पड़ी। मैंने आपको बोला था ये छोटा सा यहाँ पे हॉल्ट है, ज़्यादा बड़ा हॉल्ट नहीं है, यहाँ से चल भी पड़ी। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, कुछ खास टॉपिक नहीं, बट यहाँ पे लोग चढ़े हैं, मेरे कोच में भी चढ़े हैं आई थिंक। तो यात्रा को कंटिन्यू करते हैं अपने पहले दिन के डिनर के साथ, और आपके सामने यहाँ पे डिनर यहाँ देख रहे हैं आ गया है, वो है आपकी थाली। देखते हैं इसमें क्या क्या चेंजेस हैं, जो लंच हुआ था और जो डिनर इसमें तो चेंजेस होता है तो आपको बताते हैं। सबसे पहले तो ये आपके सामने लिखा है फर्स्ट टेस्टी की दाल है, ये है आलू गोभी की सब्जी, ये आपके सामने है परौंठे आई थिंक, ये आपकी दही हो गई रात को, दही जिसको खाना है वो खाए अपने हिसाब से, और ये हो गया आपका शायद पनीर होगा या कुछ होगा पनीर, तो सुबह वाले ही आई थिंक है। बस भिंडी की जगह आपको आलू गोभी मिली है और परौंठा मिला है, और राइस थोड़े अलग है, तो गर्मा गर्म खाना है, कुछ ठंडा ठंडा कुछ भी नहीं है, सब गर्म है। और ये सॉल्ट, और ये आ गया आपका मिक्स पिकल, ये आपको मिला है, और ये डिनर हमें जो है वसाई रोड से पहले मिला है, उससे पहले हम खा रहे हैं, बाकी आपकी मर्जी है उसके बाद भी खा सकते हैं, बट आपको सर्व होना शुरू हो जाता है वसाई रोड से पहले। खाना जो है वो टेस्ट करके आपको बताते हैं कैसा है। तो पहले जो दाल है वो आपको बताना चाहूँगा, जो अभी की दाल है वो अरहर की दाल है, सुबह वाली मूंग की दाल थी, तो अरहर की दाल और चावल, स्वाद में थोड़ा सा चेंज है अभी, तो जैसे हम महाराष्ट्र में आ गए एंटर करने वाले मतलब कुछ ही देर में, तो अभी गुजराती लगा तो गुजराती स्टाइल वाला थोड़ा जिसे बोलते हैं फ्लेवर वो आ रहा है, और सुबह हमने खाया था कोटा के आसपास, तो
राजस्थान जैसा कुछ स्वाद आ रहा था, मतलब जो टेस्ट था ना तो वो अलग ही था वहाँ का, और इसमें थोड़ा टेस्ट है वो अलग है। दोनों अपनी तरीके से अपनी जगह बेस्ट है, ऐसी बात नहीं है कि वो अच्छा है अच्छा है, अपनी जगह सब अपना बेस्ट है। ये आलू गोभी की सब्जी जो आपको मैंने बताया, क्योंकि आपको टेस्ट करके बताते हैं कब कैसी है। घर जैसा स्वाद इसे बोलते हैं ना, वैसा बढ़िया एकदम। पनीर तो स्वाद नहीं करना टेस्ट, उसकी ग्रेवी टेस्ट करनी होती है मेन, तो वो है कैसी है, सही है भाई। स्पाइसी है, देखो बोल रहे हैं, देखो थोड़ा ठीक है, थोड़ा स्पाइसी है, बढ़िया है। जिनको पसंद है स्पाइसी खाना तो उनके लिए बहुत ही बढ़िया होगा राजधानी में स्वाद। बाकी परौठा है और दही है, तो मजा नहीं लाइफ एकदम मस्त। थर्टी किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट करने वाला हम पहुँचे हमने यात्रा के फोर्थ हॉल्ट, जो कि है वसाई रोड। स्टेशन कोड है BSR। बारिश हो रही है, थोड़ा लेंस गीला हो गया। तो यहाँ पर वेस्टर्न लाइन, सेंट्रल लाइन और रोहा वसाई रोड लाइन, ये तीन लाइन यहाँ पर आकर मिलती है, इसलिए वसाई रोड जो है वो बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन बन जाता है। और यहाँ पर टोटल जो है 8 प्लेटफॉर्म है, तो हमारी ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर आई है। और यहाँ पे लोको पायलट और गार्ड दोनों चेंज किए जाएंगे, क्योंकि 5 मिनट का हॉल्ट है, अच्छा खासा हॉल्ट है यहाँ पे। और 10 मिनट यहाँ पे ट्रेन वैसे लेट हुई है, यहाँ पे 9:45 का टाइम था, 9:50 में डिपार्ट किया था, बट यहाँ पे ट्रेन थोड़ा 10 मिनट करीब लेट हो गई। जब से ट्रेन चली आपको हमने बाथरूम का टूर नहीं कराया, तो अब आज चला है बाथरूम का टूर कराने का। आपको डबल लॉक कर देने का बोल देता है, देख रहे हैं आप सामने, पूरा नहीं पानी निकल रहा है, पानी आ रहा है, पानी आ रहा है, पानी निकल रहे हैं, उसको बहुत दे रखा है, और पूरा एकदम साफ है, तरफ पाइप इतना पानी दो लोग मिलेगा। किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट करने वाला पहुंच चुके हैं अपने यात्रा के फिफ्थ हॉल्ट पनवेल जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है PVL। और यहाँ पे हमारी ट्रेन का मात्र 5 मिनट का हॉल्ट है। और पनवेल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ट्रेन पहुँचना टाइम था 11:05 और 11:05 डिपार्ट करना, बट यहाँ पे थोड़ा 5-7 मिनट लेट हो गया। हमारी ट्रेन है प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर आ गई है। पनवेल के अगला जो स्टॉप है ना, वो 3:40 सुबह आने वाला रत्नागिरी, जो कि यार बहुत सुबह है, तो इसको कवर करना तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पता इतना नींद हुई हुई नहीं है से। और बड़ा पाव आपको पीछे दर्द देने का होगा, बड़ा पाव मिल रहा है। और वहाँ पे सिग्नल भी दे दिया है, यात्रा हो रही है उस चक्कर में जो रेस्ट है वो ढंग से हो नहीं पा रहा है, और मैं नहीं चाहता कि आगे जितने भी मेरे ब्लॉग होने वाले उसमें एनर्जी इतनी बनी रह रहे हैं और आपको अच्छा ना लगे, तो एनर्जी पूरी होनी चाहिए। अभी भी एनर्जी ऐसी बात नहीं है, बट यार 3:40 उठना, फिर वो सब सर नींद पूरी कर लेते हैं और आप में इसको यूटिलाइज करेंगे और फिर वापसी में दौड़ कर लेंगे। ओपन वेल से डिपार्चर प्लेटफॉर्म नंबर 6। सर में सारा पानी ये तो मॉनसून शुरुआत हुई है यार, देखो ये तो रात हुई है, सुबह उठते देखा क्या नज़ारे आएंगे। ये सन परफेक्ट सन मिल चुकी है, ये ऊपर होने वाली, ऊपर होने के लिए अगर ठंड ज़्यादा लगे तो। और ये हमारा पिलो, गुड नाइट, गुड नाइट बोला मुझे, गुड नाइट। और अपना आपके दोनों का ख्याल रखिए, और वीडियो प्लीज़ लाइक कर देना, और मिलता हूँ आपसे सुबह जहाँ भी नींद खुलेगी, तब तक के लिए आप ही सो जाओ। सो जाता हूँ यार, 12 बजने वाले हैं, तब सब समेटा समेटी हो गई, ख़त्म, अब
हमारी ट्रेन है इस स्टेशन पर, ये सुबह के 7:30 बज रहे हैं और चाय जो है वो सर्व होनी शुरू हो गई थी, तो यहाँ पे हमारी चाय आ चुकी है। तो चाय वही जो नॉर्मल फर्स्ट डे मिली थी वही सेकंड डे वैसी चाय पूरा किट दी गई है।
ठंड होगी। ये पहली बार मैंने विश्वविद्यालय को देखा है अपनी आंखों से ऐसे लाइव। किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट करने के बाद दूसरा दिन मडगांव जंक्शन पर ट्रेन पहुंच चुकी है। स्टेशन कोड MAO 35 मिनट लेट। वैसे पहुंचने का टाइम था यहाँ पे 7:55 का, बट पहुंची है यहाँ पे 8:35 के आसपास। तो ऐसी आउटर पे थी तो 35 मिनट के आसपास लेट हो गई ट्रेन, और दो दिन क्रॉसिंग भी इसने निकाली, इसलिए भी सिंगल लाइन सेक्शन है ना क्योंकि। और साथ ही साथ जर्नी एक्सपीरियंस की बात करूँ तो काफ़ी मज़ेदार रहा। टोटल यहाँ पे 6 प्लेटफॉर्म है। ये कोंकण रेलवे है ये, और ये जो है वो साउथ वेस्टर्न रेलवे इसमें पड़ता है। यहाँ से गुटिकल वास्को डी गामा सेक्शन जो है वो लाइन्स जाती हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे आपको पार्किंग की सुविधा मिल जाएगी। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। ये यात्रा हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। ट्रिवेंद्रम राजधानी एक्सप्रेस, इंडियाज लॉन्गेस्ट राजधानी एक्सप्रेस की फर्स्ट एसी की यात्रा। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आई तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि मेरी पहली यात्रा है फर्स्ट एसी में, और आपको पूरा एकदम डिटेलिंग मैंने वीडियो बनाने की कोशिश करी। कुछ खामियां रह गई होंगी तो प्लीज़ उसको बताना जरूर, मैं उसको जरूर से करूँगा। तो अभी फ़िलहाल करते हैं मडगांव स्टेशन को बाय बाय, और आपको मिलते हैं आगे दूसरे ब्लॉग में। तब तक अपने आप में घर वालों का ख्याल रखिए। मैं आपको मिलूँगा जल्दी दूसरी वीडियो में। बाय बाय।